नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मुकेश बेनीवाल। आज हमारे साथ मौजूद हरियाणा लोक हित पार्टी से भाई गोविंद जी कांडा, चलिए चर्चा करते हैं उनसे। गोविंद जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने एक छोटा सा हल्का, रानी हल्का, जिसके अंदर आपकी सेवा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। गोविंद जी, आज आप गांव कहरवाला की गौशाला में पहुंचे हैं, तो गौ सेवा के प्रति युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, गौओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये सेवा मुझे मेरे पिताश्री से मिली हुई है। लगभग 1956 में मेरे पिताश्री ने गौ रक्षा सेवा आंदोलन चला था, उस टाइम से गौओं की सेवा और गौओं का प्रेम प्यार, और आज जो कुछ हम देख रहे हैं उनके आशीर्वाद से, गौओं के प्रेम प्यार से। गोविंद जी, अब मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल करना चाहूँगा। चौधरी रंजीत सिंह जी का दावा है कि इस बार रानिया हल्के के अंदर उनका जनोरदार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो और उनका परिवार हमेशा यही कहता है, लेकिन जनता को पता है कि उनका जनाधार कितना है। ये पूरा परिवार अब खिंड चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये जनता को भी पता है और जनता उनसे ऊब चुकी है। 60 साल से उनके जो लारे, जो उनको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, वो देख चुके हैं कि हम 50-60 साल से उनके झूठे वादे में हमें आज तक कुछ नहीं मिला पूरे जिला को, लेकिन आज टाइम पूरे रानिया नहीं, पूरे जिला की जनता उनको जान चुकी है कि इनके पास कुछ नहीं है। हरियाणा लोक हित पार्टी इस बार चुनाव में अपने कितनी जगहों पर प्रत्याशी उतारने का काम? हरियाणा लोक हित पार्टी 10-12 जगह चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार हरियाणा सरकार भाई गोपाल कांडा के बगैर, जैसे पीछे नहीं बनी थी 2009 में, अब की बार भी भाई गोपाल कांडा के बगैर हरियाणा की सरकार नहीं बनेगी। जींद उपचुनाव को लेकर आप किसका समर्थन कर रहे हैं? जींद उपचुनाव के अंदर अभी तो किसी का समर्थन की बात नहीं हुई, लेकिन जो सेवा कर सकेगा जींद की, मुझे ये पक्का विश्वास है कि जो जींदवासी बड़े समझदार हैं उसको अपना मौका देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा लोक हित पार्टी से भाई गोविंद जी कांडा, जिन्होंने आज गांव कहरवाला की गौशाला में पहुंचे हुए थे। यहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था, जो लोगों को यहां पर अपनी सेवा देने के लिए आए, और गोविंद जी कांडा से जब जाना कि रानिया हल्के के बारे में उनका क्या विचार है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता को खुद भरोसा है कि कौन उनके रानिया हल्के की सेवा कर सकता है। कैमरा सहयोगी मुकेश गुजारा के साथ मुकेश बेनीवाल के हरियाणा।